हेलो फ्रेंड्स, आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानेंगे पारिजात, हार श्रृंगार या कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। बहुत पवित्र पेड़ होता है यह, बहुत पवित्र वृक्ष होता है, इसलिए मंदिरों में इवन राम मंदिर निर्माण के समय भी पारिजात का पौधा लगाया गया है। इसके औषधीय गुण क्या है, हम घर में इसको पवित्र पौधे को लगा सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारियां लेने के लिए, हर्बल कैसे ड्रिंक इसकी तैयार करनी है, वो आप पूरी जानकारी लेने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। हर श्रृंगार का पौधा भगवान के राम का प्रिय पौधा था, ये बोला गया है ये स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है, ऐसा पौराणिक मान्यताओं में माना है, इसलिए इसे कल्प वृक्ष भी बोला है। यह श्रृंगार के लिए माता सीता के द्वारा जब वे वनवास में थी उस समय यूज होता था, इसीलिए हार श्रृंगार कहते हैं। मंद मंद खुशबू आती है, इसके फूलों में से सफेद रंग के फूल होते हैं जो रात को लगते हैं, सुबह झड़ जाते हैं। नीचे से इकट्ठे किए हुए फूल ही भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा इसका आयुर्वेद में भी बहुत सारा औषधीय महत्व है। यह पौधा जो जिन लोगों को शियाटिका की दिक्कत है, गृद्रश जिसे बोलते हैं, राउंड बाय बोलते हैं, पूरे पैर में दर्द होता है, उसमें बहुत अच्छा है। इसका काढ़ा बनाकर, इसकी हर्बल ड्रिंक बनाकर अगर ये लोग लेते हैं तो उसमें बहुत दर्दों में बहुत फायदेमंद होता है। आपके घर में गेस्ट आए, आप हर्बल ड्रिंक टी के रूप में यह ड्रिंक सर्व करें तो भी बहुत अच्छा रहता है। चाय की जिनको आदत है वे भी छूट जाती है, अगर इसका इसकी ड्रिंक का प्रयोग करें स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं और चाय के जो नुकसान है उससे भी फायदा मिलता है। खांसी जुखाम गले की दिक्कतों में भी ये जो ड्रिंक होती है, इसकी बनी हुई जो काढ़ा होता है, बहुत फायदेमंद है। तो घर में शुभ पौधे के साथ साथ औषधीय गुणों वाले इस पौधे को जरूर लगाएं। आइए जानते हैं क्या है इसके काढ़े को, इसकी हर्बल ड्रिंक को तैयार करने की विधि। दर्दों के लिए हर्बल ड्रिंक यह तैयार करने के लिए तुलसी के पत्ते, हार श्रृंगार के पत्ते, अदरक लेते हैं। 2-3 तुलसी के पत्ते, 3 पत्ते पारिजात के, अदरक पीस लेते हैं, कद्दूकस करते हैं। पत्तों को भी कुंडी में पीस लिया जाता है। इसके बाद 4 कप छोटे जो है पानी के गर्म करते हैं, उसमें पिसे हुए हार श्रृंगार के पत्ते डाल देते हैं, पिसा हुआ अदरक और तुलसी पत्ता डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर ढक्कन ढककर मंद आंच के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। इसके बाद 5-7 मिनट में ये उबलना शुरू हो जाता है। उबलने के बाद हम इसको छान लेते हैं। छानकर यह ड्रिंक जो है जोड़ों के दर्दों की, खांसी जुखाम की तैयार है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके लेटेस्ट हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारियों के लिए जरूर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियोज और सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आयुर्वेद अपनाए, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।